कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन कॉमा वाई वन, यहाँ पर पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, तो ये पॉइंट पी है। तो पॉइंट पी और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाएगा ना, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है डी, ये जो डिस्टेंस है डी, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट होता है इस तरह से, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉडुलस, ठीक है। तो ये क्या है कि ये आप ये समझ लीजिए कि जब भी कभी किसी पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है तो हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं हम, ठीक। तो इस वजह से हमने ये इस तरह से ये ऐसे करके निकाला जाएगा। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस निकाला जाए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइंस ऐसे दे रखी हैं, लाइन वन ये दे रखी है हमको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और लाइन टू दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, दो लाइंस दे रखी हैं। तो जब भी कभी कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसमें आप ये देख लीजिएगा कि उसमें ये एक्स के साथ वाला जो टर्म है, वाई के साथ वाला जो टर्म है, ये दोनों सेम हो गए। अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल दे रखी हैं तो एक्स के साथ वाला टर्म और वाई के साथ वाला टर्म, ये दोनों के दोनों टर्म्स हमेशा सेम हो गए, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग दे रखा होगा। तो कांस्टेंट टर्म एक में देखिए सी दे रखा है, एक में सी डैश दे रखा है। तो ऐसे में अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा डी इज इक्वल टू सी डैश माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मॉडुलस, ये करके हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल तो कितने दे रखे हैं, 9 एग्जाम्पल दे रखे हैं और 16 क्वेश्चन दे रखे हैं। मेरी बुक में 16 है, तुम्हारी में देखना कितने, एक्सरसाइज 17.7 में तो 16 ही है। चलिए ठीक है। तो अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ से यहाँ इन्होंने ना ये हमको दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 से ही चेक करता हूँ मैं। If two sides of a square lie on the lines 5x minus 12y plus 26 is equal to 0, question number 16 देखिए। Exercise 17.7 का question number 16, तो 16 में है, if two sides of a square lie on the lines 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 12y माइनस 65 इज इक्वल टू 0, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। तो फ्रॉम द गिवन टू लाइंस, it is very much clear that both these lines are parallel to each other. Parallel lines का कैसे पता चलता है कि उसमें x का coefficient और y का coefficient same दे रखा होता है और constant term जो है वो अलग दे रखी होती है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं।
तो स्क्वायर की एडजेसेंट साइड्स भी तो दे रखी हो, ऐसा भी तो हो सकता था कि स्क्वायर की एडजेसेंट मतलब बराबर बराबर वाली साइड दे देते, लेकिन लाइन से समझ में आ रहा है कि स्क्वायर की पैरेलल साइड्स दे रखी हैं, तो उनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ मैं तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी। देखिए हमारे पास स्क्वायर ये होता है, ये स्क्वायर है। अब इन्होंने बोला कि एक जो स्क्वायर की एक साइड है वो इस लाइन पर लाई करती है, कौन सी लाइन पर? 5x - 12y + 26 = 0। 5x - 12y + 26 = 0। तो स्क्वायर की एक साइड तो इस लाइन पर लाई करती है, और स्क्वायर की एक दूसरी साइड जो है वो इस लाइन पर लाई करती है, 5x - 12y। तो इससे ये समझ में आता है इन दोनों में x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट सेम है अलोंग विद देयर साइंस, है ना। जैसे कि -12 है तो ये भी -12 चाहिए, ये +5 है तो ये भी +5 चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स अलग हैं। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस ये क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू, अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो ये साइड तो आ जाएगी स्क्वायर की। डी इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर मतलब एस, ये किसके इक्वल आएगा? सी डैश माइनस सी। तो सी डैश कितना? -65। लिख लो यहाँ सी डैश माइनस सी अपॉन अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी सी और किसी को भी सी डैश मान सकते हो, रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सी डैश क्या दे रखा है? सी डैश दे रखा है -65। तो साइड ऑफ स्क्वायर एस इज इक्वल टू -65 - 26 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर और इस पूरे का मॉड। तो 65 और 26 देखिए क्या हो गया, 5 और 6 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 6 7 और 2 9, -91 अपॉन अंडर रूट 169 और इसका मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब नेगेटिव वाली कोई वैल्यू लेनी ही नहीं है। तो प्लस का 91 अपॉन 13, 13 होता 13, 13 7 का 91 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये है। तो हमारे पास अब स्क्वायर की साइड आ गई, जैसे ही स्क्वायर की साइड आ गई तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? साइड का स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 स्क्वायर यूनिट्स। बताइए क्लियर है? ठीक है, चलिए जी मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, शून्य एट द लाइन 5x - 2y - 1 = 0 इज मिड पैरेलल टू द लाइंस 5x - 2y + 7 इज इक्वल टू 0 एंड 5x - 2y - 9 इज इक्वल टू 0 इज मिड पैरेलल टू द लाइंस इज मिड पैरेलल टू द लाइंस। देखिएगा क्या है, लाइन वन 5x - 2y + 7 इज इक्वल टू 0 लाइन टू 5x - 2y - 1 = 0 और लाइन 3 5x - 2y - 9 = 0।
देखिए मैंने इस सीक्वेंस में इन लाइंस को क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि शो दैट द लाइन 5x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज मिड पैरेलल टू द लाइंस 5x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 मिड पैरेलल टू द लाइंस। मतलब ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में पैरेलल होगी। मिड पैरेलल का मतलब क्या है कि पहली और दूसरी लाइन के बीच का डिस्टेंस और दूसरी और तीसरी लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम आएगा। और इन तीनों लाइंस को देखकर ये समझ में आता है 5 5 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 इन तीनों दो लाइंस को देखकर ये समझ में आता है कि तीनों ही लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशंस ऑफ ऑल दीज थ्री लाइंस it is very much clear that these lines are parallel to that these lines are parallel to each other तो पहली वाली लाइन ले लीजिए 5x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इसको बोल दीजिए लाइन 1 मतलब L1। दूसरी लाइन जो मुझे प्रूव करनी है कि मिड पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट्स मतलब 5x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 टू प्रूव डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन L2 and L3। हमें ये प्रूव करना है कि L1 और L2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो टू प्रूव डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 between L1 and L2 is equal to formula ko likhega c dash minus c upon under root a square plus b square ka mod। c dash minus c se samajh mein aata hai ki isko c dash isko c maan lo marzi aapki 7 minus minus 1 7 minus minus 1 upon under root 5 ka square plus minus 2 ka square का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर और मॉडुलस 7 माइनस माइनस 1 मतलब 7 प्लस 1 8 25 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 25 प्लस 4 29 8 अपॉन रूट 29 यूनिट्स 8 अपॉन रूट 29 यूनिट्स ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। अब निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 L2 और L3 के बीच का डिस्टेंस ये भी वैसे ही निकालिए। अब ये C डैश हो गया अब ये C हो गया तो माइनस वन माइनस माइनस नाइन माइनस वन माइनस माइनस नाइन अपॉन अंडर रूट वही फाइव का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर इसका मॉड माइनस वन माइनस माइनस नाइन यानी कि माइनस वन प्लस नाइन तो हो गया एट 8 upon under root 29 तो दोनों सेम आ गए hence proved। बताइए क्लियर है?
है ना, तीनों लाइंस पैरेलल तो हैं और वो उसके मिड पैरेलल है, मतलब बीच में है, बीच में लाई कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस सेम होगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द लाइन। अच्छा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द लाइन 4x plus 3y minus 1 is equal to 0। अब देखिएगा वो बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x एक लाइन है, y इज इक्वल टू x एक लाइन है, उस पर आपको एक पॉइंट बताना है, उस पर पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द लाइन 4x plus 3y minus 1 is equal to 0। तो मेरे पास एक लाइन है ऐसे, ये है 4x plus 3y minus 1, 4x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और कोई दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन मान लीजिए ये इस तरीके से ऐसे है ना, ये लाइन हो गई हमारे पास y इज इक्वल टू x, कुछ भी किसी भी तरीके से ऐसे मान लो जो आपका नंबर है। अब इस पर कोई भी अगर मैं पॉइंट लूंगा, तो अगर मान लीजिए वो पॉइंट मैंने ले लिया k, तो x की वैल्यू अगर k लूंगा तो y की वैल्यू भी k होगी, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन ही क्या है, y इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब इसमें x और y दोनों की वैल्यूज सेम होंगी, ये बात समझ में आती है? Yes. ठीक है, और इन दोनों के अब वो बोल रहे हैं find the points on the line which are at a distance of 5 units from the line, which are at a distance of 5 units from the line। तो आप ये देखिएगा इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस 5 यूनिट्स हो गया, तो अब क्या करना होगा हमको कि ये हो गया मेरे लिए x1 y1 और ये क्या हो गया ax plus by plus c। तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन is b is equal to ax1 plus by1 plus c1 upon under root a square plus b square, और इसका mod ये होता है, और ये किसके equal दे रखा है, ये 5 के equal दे रखा है। ठीक है, तो ax1 plus by1 plus c1 ये कैसे निकलेगा भाई, x1 y1 तो हो गया k k, तो लिखो और a कितना है 4 और b कितना है 3, तो 4k plus 3k और c1 कितना है ax1 plus by1 c1 नहीं सॉरी plus c, c कितना है minus 1, तो 4k plus 3k minus 1 upon under root 4 का square plus 3 का square और इसका mod is equal to 5। हम ये जानते हैं जो मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस के अंदर अगर कोई नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, मॉडुलस के अंदर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो जो नंबर है मॉडुलस के अंदर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो तो तब उसका रिजल्ट तो आता है पॉजिटिव हमेशा, लेकिन मॉड के अंदर अगर कोई अननोन टर्म लिखी हुई है ना तो अननोन टर्म का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। जैसे अननोन टर्म ये है 4k plus 3k, मतलब k जो है अननोन टर्म है, तो मॉड के अंदर जब भी कोई अननोन टर्म होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। ऐसा हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस वाले केस में भी करा था, तो क्या हो जाएगा 4k plus 3k हो गया 7k minus 1 upon 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 plus 9 25, 25 का रूट इज 5। तो इसका जो रिजल्ट है ना
वो आएगा प्लस माइनस, 7 के माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि मॉड क्योंकि मॉडुलस के अंदर इस टाइम एक अननोन टर्म लिखी हुई है, तो जब अननोन टर्म लिखी रहेगी तो उसका रिजल्ट हमेशा हमें प्लस माइनस वाला दोनों वाला लेना है हमको, ठीक है। अभी देखिएगा आगे क्या करते हैं, तो एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस वाली, तो 7 के माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5, और माइनस 7 के माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5, तो 7 के माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 5 इज 25, और माइनस 7 के प्लस 1 इज इक्वल टू 25, तो 7 के is equal to 25 plus 1 minus 7 के is equal to 25 minus 1, तो 7 के is equal to 26 और minus 7 के is equal to 24, तो k is equal to 26 upon 7 और k is equal to माइनस 24 अपॉन 7। तो वो कह रहे हैं कि उस लाइन पर कोई आप पॉइंट्स बताएं जहां से इस वाली दूसरी वाली लाइन का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स हो, तो आप ये कहेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स कैन बी के कॉमा के, मतलब 26 अपॉन 7 कॉमा 26 अपॉन 7 और माइनस 24 अपॉन 7 कॉमा माइनस 24 अपॉन 7, समझ गए? यस, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 is 4 units. Find the points on the x-axis. तो ये x-axis है, इस x-axis पर कोई भी आप पॉइंट ले तो उसमें वो हो जाएगा x कॉमा 0। x एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0 ही होती है ना, तो ये हो जाएगा x, 0। इस पॉइंट को P मान लिया। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट्स। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लाइन से, लाइन दे रखी है हमको x अपॉन 3 x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1, तो इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है, ठीक है। ये है गिवन लाइन, गिवन लाइन। तो जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए, पहले ax plus by plus c is equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 3 4 का 12, 4 इनटू x इज 4x प्लस 4 3 का 12, 3 इनटू y इज 3y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 4x प्लस 3y उधर ले जाएंगे तो प्लस का 12 और फिर इसको इधर ले आओ, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बताइए समझ में आ गया, ये जो इक्वेशन बनाई है हमने? यस सर। अब देखिएगा क्या करेंगे, यस।
फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप ये देखिएगा कि हम ये कह देंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको मैंने बोल दिया डी, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू ए एक्स वन, यानी कि फोर एक्स वन, एक्स वन कितना है एक्स, तो फोर एक्स प्लस बी वाई वन, बी वाई वन मतलब थ्री इंटू जीरो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, सी कितना है माइनस ट्वेल्व, अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इस पूरे का मॉड इज इक्वल टू दे रखा है फोर यूनिट्स। मेरी बात समझ में आ गई, ये जो इक्वेशन है इसकी तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, और एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो फोर यूनिट्स दे रखा है। अब वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट से उसका डिस्टेंस फोर यूनिट्स होगा, वो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट मुझे बताना है, ठीक है, या पॉइंट्स मुझे बताने, हो सकता है दो पॉइंट्स हो कि भाई एक एक्स एक्सिस के पॉइंट ऊपर लाई करें और एक नीचे लाई करें, तो कोई दो पॉइंट्स हैं, तो कुल मिलाकर अननोन वैल्यू है यहाँ पर x, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी तो ये p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पॉइंट की। समझ गए कि नहीं, ये जो लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कहीं भी कोई डाउट है पूछ लेना प्लीज। देखो इसके बाद ओके इसके बाद देखिएगा, अब थ्री इंटू जीरो तो जीरो हो गया, और फोर एक्स माइनस ट्वेल्व अपॉन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, थ्री का स्क्वायर नाइन, सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव, उसका अंडर रूट फाइव, तो इसके रिजल्ट में भी मैं प्लस माइनस लिखूंगा। उसका रीजन क्या है कि अब एक्स मेरे लिए अननोन है, तो इसके रिजल्ट में भी मैं यहाँ पर मॉड के रिजल्ट में मैं प्लस माइनस लिखूंगा, और ये हो गया इज इक्वल टू फोर। अब क्या करिएगा, अब यहाँ लिखें एक बार, पॉजिटिव ले लो, फोर एक्स माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव इज इक्वल टू फोर, और एक बार ले लो माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव इज इक्वल टू फोर। अब लेफ्ट हैंड साइड में फोर ले लिया कॉमन, तो एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू फोर, माइनस फोर ले लिया कॉमन इधर भी, तो एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव, और माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, तो एक्स इज इक्वल टू एट, और यहां से फाइव माइनस थ्री कितना हो जाएगा प्लस का टू, और इधर माइनस एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, देयरफॉर required point therefore required point can be x comma 0 मतलब 8 comma 0 और 8 comma 0 और minus 2 comma 0। बताइए जी, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 12।
फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0, 1 ऑन विच द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट 2, 2 आर ईच ऑफ यूनिट लेंथ. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0, 1. ठीक है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0, 1 ऑन विच द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट 2, 2. Equations of two straight lines drawn through the point 0, 1. So let the equation of a line drawn through 0, 1, let the equation of the line drawn through 0, 1 be भाई हमारे लिए फिर ये x1 y1 हो गया, y minus y1 is equal to m into x minus x1. तो y minus 1 is equal to mx. तो एक तरह से हमारे पास ये इक्वेशन हो गई. अब वो क्या बोल रहे हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू 0, 1. तो हमने कहा कि 0, 1 से पास होने वाली कोई दो इक्वेशंस बतानी है, कोई दो लाइंस बतानी है हमको. तो y-1 is equal to mx होगी, कोई दो इक्वेशंस बतानी है. अच्छा, तो ये तो होगी y-1 is equal to mx. ठीक है, बोल रहे हैं ऑन विच द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट 2, 2 आर ईच ऑफ यूनिट लेंथ, आर ईच ऑफ यूनिट लेंथ. कैसे करें इसको, इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द इक्वेशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0, 1. Equation of a line drawn through 0, 1 मतलब y एक्सिस से गुजरने वाली लाइन. कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें शायद कोई फंडा काम ही ना करे. वहां पर जैसे ये दे रखा है, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0, 1. तो 0 तो ये हो गया और 1 ये हो गया. अब हमने लाइन ये मान ली, एक लाइन हमने ये मान ली जो 0, 1 से गुजर रही है, और एक लाइन चाहे तो ये मान लो. ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो जो दो लाइंस गुजर रही हैं इस पॉइंट से, ये पॉइंट समझ में आ गया 0, 1 है. ठीक है, ये तो ओरिजिन है और ये वाला पॉइंट 0, 1 है, ये समझ में आ गया. यस सर. तो मैं अब इसमें वो बोल रहे हैं कि इधर से गुजरने वाली कोई दो लाइंस की इक्वेशन बता दो, कोई दो लाइंस की इक्वेशन जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, 2 से 1 यूनिट का होना चाहिए, 1 यूनिट का. तो 2, 2 क्या होगा, ये 0, 1 है, 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया. तो यहां से ये 2, 2 है,
इसका। अब इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन ये भी हो सकती है ताकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वन आ जाए। देखिएगा ये वाला भी देख कर बताता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा अभी नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, और इसके बाद आप मेरे को बता देना कि इस चैप्टर के बाद में फिर इंडेसेस वाला करवाना है या कौन सा करवाना है, दो बच रहे हैं ना। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप कर देना बस ये चीज़ ना, याद रहेगा मुझे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, ओके।